माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? या तो वायरस के आइसोलेशन को लेके, या फिर क्या अपन स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी वायरस को लेकर उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ वायरस में देखिए कि दिस इज द कॉमनेस्ट मेथड यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ वायरस इंफेक्शन। यानी वायरस का जो आइसोलेशन है वो क्या है, सबसे कॉमन मेथड है किसको डायग्नोज करने के लिए, किसका पता लगाने के लिए, वायरस का। नेक्स्ट, यानी वायरस से रिलेटेड कोई इंफेक्शन हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर अदर एनिमल के अंदर, तो क्या उसको आइसोलेट करके अपन क्या उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इन जनरली द वायरस कैन बी ग्रो बाई इनोकुलेशन इन टू एनिमल एग और सेल कल्चर आफ्टर द स्पेसिमेन टू प्रोसीड टू रिमूवल बैक्टीरियल कंटामिनेट्स। यानी जनरली जो है अपन वायरस को किसमें आइसोलेट करते हैं, यानी किसमें ग्रो करवाते हैं, किसमें इनोकुलेट करते हैं, तो एनिमल्स के अंदर या फिर एग और सेल कल्चर के अंदर उनको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, इनोकुलेट करवाते हैं। यानी जो स्पेसिमेन है उसको आइसोलेशन के लिए प्रोसीड करने के लिए, यानी कल्चर आफ्टर द स्पेसिमेन टू प्रोसीड कैन रिमूव बैक्टीरियल कंटामिनेट, और जो बैक्टीरिया की जो कंटामिनेशन है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस आइसोलेशन के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको क्या है, रिमूव करके फिर क्या अपन उसका आइसोलेशन करते हैं। नेक्स्ट, द आइसोलेट आर आइडेंटिफाइड बाई न्यूट्रलाइजेशन और अदर सुटेबल सीरोलॉजिकल टेक्निक। और जो आइसोलेट्स हैं वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और अदर सुटेबल सीरोलॉजिकल टेक्निक के द्वारा क्या है, आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, उनको जिस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है, उनके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या फिर उसको कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं हो। और अपन आइसोलेशन के अंदर कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं, सीरोलॉजिकल टेक्निक को काम में लेते हैं। नेक्स्ट, the technique for the isolation of virus have already been described in the previous lecture। और जो आपके isolation की techniques हैं, यानी animal inoculation है, egg embryonated egg culture है, या फिर cell culture है, tissue culture है, वो क्या है अपन ने पीछे के lecture में क्या है describe कर लिए, पीछे के lecture में read कर ली है। तो शुरू से देखिए एक बार क्या है virus isolation। तो this is the commonest method used in the diagnosis of virus infection। virus isolation क्या है कि सबसे common method है, ठीक है, virus को diagnose करने का, यानी virus से related किसी infection को diagnose करने का, उसका पता लगाने का। next, in general the virus can be grow by inoculation into animal egg or cell culture after the specimen to proceed remove bacterial contaminant। तो इन जनरल वायरस कैन बी ग्रो बाय इनोकुलेशन, यानी आइसोलेशन के लिए अपन वायरस को किसमें इनोकुलेट कर सकते हैं, किसमें ग्रोथ करवा सकते हैं, तो एनिमल और एग सेल कल्चर के द्वारा उसको ग्रोथ करवा सकते हैं। और स्पेसिमेन को प्रोसीड करने के बाद अदर जो बैक्टीरियल कंटामिनेट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट, द आइसोलेट आर आइडेंटिफाइड बाय न्यूट्रलाइजेशन और अदर सुटेबल सीरोलॉजिकल टेक्निक। और ये जो आइसोलेट्स हैं उनको अपन आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करके और क्या है, या फिर कोई सीरोलॉजिकल टेक्निक को अप्लाई करके। नेक्स्ट, द टेक्निक फॉर द आइसोलेशन ऑफ वायरस हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड इन द डिटेल प्रीवियस लेक्चर। और जो आइसोलेशन की जो टेक्निक है, जैसे एनिमल सेल एनिमल इनोकुलेशन हो गया, यानी किसी एनिमल के अंदर जैसे माइस के अंदर जीन या पिग के अंदर अपन क्या वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर क्या है जैसे एम्ब्रियोनेटेड एग हो गया, तो एम्ब्रियोनेटेड एग में अलग क्या है, अलग अलग कैविटीज की, जैसे एलेंटोइक कैविटी सीएम, उनके अंदर क्या है अपन वायरस को आइसोलेट करते हैं अलग अलग वायरस को, या फिर कोई सेल कल्चर हो गया, यानी किसी ह्यूमन बॉडी से या फिर एनिमल से चाहे कोई ऑर्गन की सेल ले ली, उसके अंदर भी क्या है वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, जो अपन ने क्या पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर लिया।
नेक्स्ट देखिए डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का डिटेक्शन किसी वायरस के लिए, यानी जैसे एचआईवी वायरस के लिए, हेपेटाइटिस वायरस के लिए, किसी स्पेसिफिक वायरस के लिए एंटीबॉडीज का डिटेक्शन. तो देखिए द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए राइज इन टाइटर ऑफ एंटीवायरस एंटीबॉडीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए डिजीज इज स्ट्रॉन्ग एविडेशन एविडेंस दैट इज द इटोलॉजिकल एजेंट. यानी जो डिमोन्स्ट्रेशन है किसका, वायरस के टाइटर का, कि कितने परसेंट क्या है वो इन्फेक्ट कर सकता है, कितने परसेंट इन्फेक्शन हो चुका है, उसका जो टाइटर है, उसकी जो रेंज है, वो किससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं. तो क्या है, एंटीवायरल एंटीबॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज स्ट्रॉन्ग एविडेशन एविडेंस. यानी जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, की एंटीबॉडीज लेवल तक डेवलप नहीं है. शुरुआत में क्या, जैसे वायरस का इन्फेक्टर होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती ह्यूमन बॉडी के अंदर. अगर क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो क्या है कि एक टाइटर है, यानी अच्छे तरीके से वायरस ने अपना इन्फेक्शन कोज कर दिया है. नेक्स्ट, फॉर दिस पीरियड सीरम शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, द एक्यूट सैंपल कलेक्टेड बाय अर्ली इन द कोर्स ऑफ द डिजीज एंड द कोवेलेंट सैंपल कलेक्टेड 10 टू 14 डेज लेटर. फॉर दिस पीरियड सीरम शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट. और इसके लिए क्या है, सीरम का जो सैंपल है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, पेशेंट से कलेक्ट करते हैं. एक्यूट सैंपल कलेक्टेड अर्ली इन द कोर्स ऑफ डिजीज, वो क्या है, एक तो सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं, यानी क्या किसी के इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या है, एक्यूट सैंपल कलेक्शन है, तो अर्ली जल्दी से जल्दी, यानी डिजीज के कोर्स में. और दूसरा क्या है, कॉन्वेलेसेंट सैंपल कलेक्शन है, कलेक्शन है तो क्या है, वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद में अपन करते हैं, यानी 10 to 14 डेज के लेटर करते हैं. यानी क्या है, वायरस के इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए एक तो हैंड टू हैंड सैंपल लेते हैं, यानी जैसे इन्फेक्शन हुआ और अपने को पता लग गया तो अपन ने क्या सैंपल कलेक्ट किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली. दूसरा है कॉन्वलेसेंट सैंपल, जो कि है इन्फेक्शन के 10 से 14 दिन बाद लेते हैं. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द सिंगल सैंपल ऑफ सीरम इज मीनिंगफुल वेयर आईजीएम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड. और तो एग्जामिनेशन है वो क्या है, सीरम की है, जो मीनिंगफुल है कब, जब क्या है कोई आईजीएम स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या है किसी वायरस के लिए डिटेक्ट हो जाए. तो आपको पता है सबसे पहले एंटीबॉडी आईजीएम बनती है, इसलिए क्या है, जैसे कोई आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी तो कन्फर्म हो जाएगा कि क्या है, वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है या हेपेटाइटिस है. देखिए नेक्स्ट, शुरू से देखिए एक बार, तो जो टाइटर है जिसका, यानी वायरस का जो टाइटर का लेवल है, यानी कि कहा तक क्या है उसने इन्फेक्शन को कोज कर दिया, किस लेवल तक, उसको क्या है अपन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके देख सकते हैं. और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए क्या है, सैंपल को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, तो एक तो क्या है एक्यूट सैंपल कलेक्शन, यानी क्या है जल्दी कर लेते हैं इन्फेक्शन होते ही, यानी क्या है. और दूसरा क्या है कॉन्वलेसेंट सैंपल, यानी तो क्या है इन्फेक्शन होने के 10 से 14 दिन बाद लेते हैं. और जो एग्जामिनेशन है किसके लिए, आईजीएम एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होती है तो वो क्या है मीनिंगफुल है सीरम के अंदर, क्योंकि क्या है आईजीएम में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है. क्या
प्रियॉन्स न्यूक्लियस तो यानी जो न्यूक्लियस से रिलेटेड तो सब्सटेंस है, और क्या है जो प्रोटीन से रिलेटेड यानी जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं उनसे क्या है उनके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है। नेक्स्ट इट प्रोड्यूस स्लो इन्फेक्शन विद लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, और ये क्या है धीरे धीरे इन्फेक्शन कोज करते हैं लंबे इंक्यूबेशन पीरियड के साथ यानी 1 साल तक। नेक्स्ट डिजीज कोज बाय देम इंक्लूड स्क्रैपी ऑफ शीप एंड गोट, क्या कौन सी डिजीज ये कोज कर सकते हैं शीप के अंदर गोट के अंदर क्या स्क्रैपी डिजीज कोज कर सकते हैं। तो शुरू से देखिए एक बार प्रियॉन्स आर इन्फेक्टिव प्रोटीन विदाउट एनी डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड, यानी प्रियॉन्स क्या है एक इन्फेक्टिव प्रोटीन है जो क्या बिना किसी डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट दे आर हाईली रेसिस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, और जो क्या है कि हाईली रेजिस्टेंट होती है किसके लिए फिजिकल और केमिकल रिएजेंट के लिए यानी क्या है उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता उनका। नेक्स्ट दे आर रेजिस्टेंट टू हीट, उन प्रियॉन्स क्या है हीट के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं 90 डिग्री पर 3 मिनट तक वो क्या है सर्वाइव कर सकते हैं, यूवी रेज के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं, और न्यूक्लियस और प्रोटीज जो है उनके लिए क्या है वो तो हमेशा सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट दे प्रोड्यूस न्यू इन्फेक्शन विद लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, और ये क्या है धीरे धीरे इन्फेक्शन कोज करते हैं लंबे इंक्यूबेशन पीरियड के साथ। नेक्स्ट डिजीज कोज बाय देम इंक्लूड स्क्रैपी फॉर शीप एंड गोट्स, और ये क्या है प्रियॉन्स के एग्जाम्पल क्या है कौन सी डिजीज कोज कर सकते हैं शीप और गोट में क्या स्क्रैपी डिजीज कोज करते हैं। Next, box viruses are most complex and largest.
So they can be seen under light microscopy. इन स्ट्रक्चर जो क्या है जटिल होती है और इनके साइज में क्या सकते हैं बड़े होते हैं, और इसीलिए क्या है इनको लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर हम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट, दे रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म अनलाइक अदर डीएनए वायरस। ये क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है मल्टीप्लीकेशन करती हैं। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्री बॉडीज या पास्टन बॉडीज आर फाउंड इन स्मियर फ्रॉम फ्रीजर। और जो एलिमेंट्री बॉडीज होती है या पास्टन बॉडीज होती है वो क्या है स्मेयर के अंदर क्या है प्रिज्म से लिखे स्मेयर बना को माइक्रोस्कोप करते हैं, उसके अंदर क्या है प्रेजेंट होती है, दिखाई देती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस की मॉर्फोलॉजी यानी शेप एंड स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। ठीक है, पॉक्स वायरस आर ब्रिक शेप, तो पॉक्स वायरस कैसी शेप के होते हैं, ब्रिक शेप के होते हैं। नेक्स्ट, दे मेजर 300 इनटू 240 एंड 100 एलएम, यानी उनका जो अप्रोक्सीमेट डायमीटर होता है वो क्या होता है, साइज क्या होता है, यानी जो लंबाई चौड़ाई है उनकी लंबाई कितनी होती है 300 nm के यानी नैनोमीटर के समथिंग, चौड़ाई कितनी 250 यानी 240 nm के समथिंग या 100 nm के समथिंग। दे आर लार्जर एंड आर कॉम्प्लेक्स एज दे डोंट शो एनी डिस्क्रिमिनेबल सिमेट्री। इनकी मतलब क्या है, इनका साइज तो कैसा होता है कि एवरेज होता है अप्रोक्सीमेट यानी 300 इंटू 240 इंटू 100 nm होता है, और ये क्या है लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स वायरस है जो क्या है किसी भी प्रकार के यानी किसी में पर जो सिमिलिटी है यानी अपन जो सिमिलिट्री पढ़ती है इकोसेंट्रल या फिर स्पाइरल क्या है क्यूबिक सिमिलिट्री, तो कोई भी स्पेसिफिक सिमिलिट्री शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दिस वायरस कंटेन्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। यानी पॉक्स वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल जो है क्या प्रेजेंट रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहता है, और जो क्या है डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से क्या घिरा रहता है। इट कंटेन्स मोर देन 100 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, और ये जो लेयर होती है प्रोटीन ये जो क्या डीएनए को घेरे रहती है उसके अंदर क्या है अलग अलग डिफरेंट क्या है अलग अलग 100 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट रहते हैं, एंड एंजाइम्स और एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं व्हिच इंक्लूड ट्रांसक्रिप्ट, और उस एंजाइम में और एंजाइम कौन सा प्रेजेंट रहता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, इफेक्ट मैन मंकी कैल शीप एंड रैबिट, बट पॉक्स वायरस है वो किस चीज को इफेक्ट कर सकते हैं, किस भी डिजीज कॉज कर सकता है, तो मैन में कॉज कर सकता है, मंकी में कॉज कर सकता है, कैलवस में कॉज कर सकता है, और शीप पर रैबिट में कॉज कर सकता है। तो देखिए सबसे कि पॉक्स वायरस आर ब्रिक शेप, यानी पॉक्स वायरस की शेप कैसी होती है ब्रिक होती है। दे मेजर 300 m × 240 × 100 nm, यानी इनका तो अप्रोक्सीमेट डायमीटर होता है वो कितना होता है 300 × 240 × 100 nm होता है, नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट, दे आर लार्जेस्ट एंड कॉम्पैक्ट एज के नॉट शो एनी डिसर्नेबल सिमेट्री, यानी ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे जटिल होती है और साइज में कैसे होते हैं बड़े होते हैं, और ये किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक सिमेट्री शो नहीं करते, यानी सिमेट्री क्या है नहीं दिखाते हैं। द वायरस कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये जो वायरस है पॉक्स वायरस वो किससे बना है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर क्या रहती है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन रहती है जो किससे बनी है प्रोटीन से बनी है, और इस प्रोटीन लेयर में क्या है 100 अलग अलग प्रकार के क्या है पॉलीपेप्टाइड
एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर एक एंजाइम कौन सा ट्रांसक्रिप्टेज है, और बॉक्स वाले इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो लैम को कर सकता है, मंकी को कर सकता है, कैलबस को कर सकता है, चीप को कर सकता है, और रैबिट को कर सकता है। नेक्स्ट देखिए कल्टीवेशन ऑफ बॉक्स वाइल्ड, यानी किस तरीके से उनको कल्चर कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ग्रोथ करवा सकते हैं। तो दे कैन ग्रो इन कोरियोलैंटिक मेम्ब्रेन ऑफ द चिक एम्ब्रियो एंड टिश्यू कल्चर। एक बॉक्स वाइल्ड है वो क्या है कि एम्ब्रियोनेटेड एग की जो CAM है यानी कोरियोलैंटिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है ग्रोथ कर सकता है, टिश्यू कल्चर के अंदर भी ग्रोथ कर सकता है, यानी इन दोनों के अंदर यानी CAM और टिश्यू कल्चर के अंदर कोई सुनिश्चित करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर ऑफ मंकी किडनी एला एंड चिप एम्ब्रियो सेल कैन बी यूज टू ग्रो दिस वायरस, यानी मंकी की जो किडनी हो गई एला हो गई या फिर एम्ब्रियो का जो चिप्स हो गए हैं उसको इसकी ग्रोथ के लिए काम में ले सकते हैं, वायरस की ग्रोथ को चेक करने के लिए।
केस में क्या है, ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया वायरस इज नॉट नोन, यानी बैक्टीरिया वायरस की उत्पत्ति किस चीज से हुई वो अभी क्या है पता नहीं चला, यानी नॉट नोन अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट, इट मे हैव इवॉल्वड फ्रॉम काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स वायरस, और ये जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, काउपॉक्स या स्मॉल पॉक्स वायरस से बना है। इट इज एन आर्टिफिशियल वायरस एंड डज नॉट अकर इन स्ट्रेस, और ये कैसा वायरस, वैक्सीन का वायरस एक आर्टिफिशियल यानी तैयार किया हुआ वायरस है, और जो कि सबके अंदर यानी नेचर के अंदर उत्पत्ति के अंदर प्रोजेक्ट नहीं होता। इट कॉज ए लोकलाइज्ड स्किन इन्फेक्शन, और ये क्या कौन सी डिजीज कॉज करता है, ये क्या स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है, एक लोकल जगह पे एक फिक्स क्या है, किसी भी जगह पे क्या है स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होते। नेक्स्ट देखिए मोलकम कॉन्टेजिशम, ठीक है, तो कॉन्टेजिशियम में देखिए क्या है, इट इज ए बिगिन एपिडर्मल ट्यूमर लाइक लेजन अकरिंग ओनली इन मैन ऑन द आर्म लेग बटोक्स एंड जेनिटेलिया, यानी क्या है मोलस्कम है जो वो क्या करता है कि एपिडर्मल ट्यूमर कोज करता है, ठीक है, तो कहाँ पे यानी लेजन कोज करता है, घाव कोज करता है कहाँ पे, मैन स्किन यानी मैन के आर्म के ऊपर लेग के ऊपर या जेनिटल एरिया के अंदर। नेक्स्ट, इट इज कॉन्टेजियस हाइलिन इन्फ्यूजन बॉडी, यानी मोलस्कम बॉडी आर विद इन द प्रोलिफेरेटेड एपिडर्मल सेल्स ऑफ द नूडल्स, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसको आइसोलेट कर सकते हैं अपन किससे, इसके अंदर क्या इन्फ्यूजन बॉडीज प्रेजेंट रहती है, और जहां पे इन्फेक्शन होता है यानी एपिडर्मल के अंदर वहां पे क्या है, वहां से इसको आइसोलेट कर सकते हैं अपन, क्या है इसके अंदर इन्फ्यूजन बॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पॉक्स वायरस, यानी पॉक्स वायरस से रिलेटेड क्या है, प्रोफाइलैक्सिस क्या है बताओ क्या है, तो वैक्सीनेशन विद वैक्सीन या प्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स फॉर 5 ईयर, यानी जो वैक्सीनेशन है वो क्या है वैक्टीरिया वायरस से क्या है, जो यानी वैक्टीरिया के साथ अगर अपन वैक्सीनेशन कर देते हैं किसी में तो वो क्या कोज कर देता है कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ क्या है एंटीबॉडीज कोज कर देता है ह्यूमन बॉडी में, जो कितने दिन तक चलती है 5 साल, यानी क्या है वैक्सीनेशन जो है इसका पॉक्स वायरस का वो क्या है कितने दिन तक प्रोटेक्ट कर सकता है 5 साल तक। नेक्स्ट, इन नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स गिव ए कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन, और एक जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन के अंदर वो क्या है कम्प्लीट लाइफ टाइम के अंदर क्या है इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है, यानी स्मॉल पॉक्स का अगर क्या है नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वापस लाइफ में क्या है अगेंस्ट री इन्फेक्शन नहीं होता, यानी एक ही टाइम में क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती है, और अपन वैक्सीनेशन करते हैं तो वो कब तक प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन 5 साल तक, और इसीलिए क्या है साइल्स के अंदर यानी न्यूली बर्थ साइल्ड है उनके अंदर क्या है अलग अलग वायरस अकॉर्डिंग क्या है उनमें वैक्सीनेशन किया जाता है, और उस वैक्सीनेशन के अंदर किसका होता है पॉक्स वायरस वैक्सीन होता है, ताकि 5 साल तक क्या है बच्चे को पॉक्स वायरस से बचाया जा सके। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, हर्पीज वायरस के ऊपर। थैंक्स टू ऑल।